आज एक अफसोसनाक वाकया भी हुआ है पेशावर में, जितनी इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मैं एक बात बिल्कुल इस मौके पे क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर कोई चाहता है कि वो इस किस्म के वाकयात से, ये जो अमन का प्रोसेस चल रहा है और जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही है, एक राबते बढ़ रहे हैं, इसमें रखना डालेगा ये उसकी गलत फहमी है। हम दोनों यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो अफगानिस्तान से हैं, वो पाकिस्तान से हैं, हम भरपूर मजम्मत करते हैं जो यहाँ वाकया हुआ है और जो अफगानिस्तान में कुछ दिनों पहले हुआ था, वहाँ भी एक मदरसे में इस किस्म का वाकया हुआ था। ये वो लोग हैं जो कि हमारे मुश्तरका दुश्मन हैं, जो कि अमन की दुश्मन हैं, जो इस इलाके की तरक्की के दुश्मन हैं, और वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक साथ नहीं देखना चाहते। तो मैं सबसे पहले ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये हमारे मुज़ाकरात, ये हमारे डायलाग, ये हमारे डिस्कशन, ये फ्रेंडशिप ग्रुप, इससे मज़ीद इंशाल्लाह इसको हम बढ़ाएंगे। हम किसी किस्म के इस किस्म के हरकत से न मुतासर होंगे, न हमारे हालात में कोई असर पड़ेगा इंशाल्लाह। मैं इस मौके पे अपने पुरखलूस कमिटमेंट देता हूँ कि, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे सर्वाइवल का, हमारे फ्यूचर का, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का के लिए आज हमने एक नया कदम उठाया। हमने अपने फ्यूचर को देखना है और हमारे फ्यूचर एक साथ मुश्तरक है। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, और अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे रिश्ते हैं, हमारे कल्चर एक है, हमारे ताल्लुकात हैं, हम एक दूसरे को, बल्कि जो बॉर्डर्स एरिया हैं उसमें एक ही ट्राइब के लोग हैं। आप बाजौड़ से लेके वज़ीरिस्तान से लेके तमाम एक ही ट्राइब, एक ही फैमिली, कुछ उधर है कुछ उधर। तो ये हमारे रिश्ते मुस्तकिल रिश्ते हैं। कोई मुल्क अगर यह समझता है कि वो कोई इन्वेस्टमेंट करेगा या कोई इस किस्म की हरकतें करेगी, वो इस रिश्तों को, हमने आज ये सेमिनार जो किया, जितनी डिस्कशंस हुई हैं इसमें, इस डिस्कशन को हम रजब दऊद साहब भी तशरीफ फरमा हैं और अफगानिस्तान के मिनिस्टर जो कॉमर्स के मिनिस्टर हैं वो भी तशरीफ फरमा हैं, और दाऊदी साहब भी हैं जो कि प्रेसिडेंट के स्पेशल एनवॉय पर पाकिस्तान हैं। हम इंशाल्लाह डायरेक्ट राबते में रहेंगे। ये रिकमेंडेशन हम कोशिश करेंगे कि इस रिकमेंडेशन को हुकूमत के लेवल पर हम टेकअप करें और ये रिकमेंडेशन और आप लोगों के तजावीज़ को जो है ना, इसको अमली जामा पहनाएं। आज जो पेशावर में धमाका हुआ उसकी वजह से पूरा कौम दिल गिरफ्ता ज़रूर है, लेकिन ये यकीन दहानी के साथ कि ये उच्चे अतकंडे अब किसी काम नहीं आएंगे, ये दोनों मुल्क अब इन चीज़ों से और मज़बूत होंगे, इनके रिश्ते और इकट्ठे होंगे। ये छोटे मोटे धमाके हम पे बहुत होते रहे हैं और इंशाल्लाह हम इनका मुकाबला करेंगे और मुँह तोड़ जवाब देंगे। कोई माने या ना माने, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, जैसे स्पीकर साहब ने बताया, कौमें बॉर्डर्स पे इकट्ठे रहते हैं, हमारे खून के रिश्ते हैं एक दूसरे के साथ, हमारी रिश्तेदारियाँ अजीज़दारियाँ हैं एक दूसरे के साथ। हम जितने भी मुखालिफ हो जाएं, लेकिन जब कोई और हमारे ऊपर आ जाएगा तो हम एक हो के उसको इंशाल्लाह सबक सिखाएंगे। स्पीकर साहब ने ये इनिशिएटिव पार्लियामान से इसलिए लिया कि वो ये समझते थे, चूंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं, कि ये काम पार्लियामान बेहतर अंदाज में कर सकता है। पार्लियामेंट ही वो इदारा है जो दोनों कौमों को आपस में जोड़ सकता है, दोनों नुमाइंदे हैं जो लोगों के साथ मेलजोल को आगे बढ़ाया जा सकता है। जिसके सम्राट आज आपके सामने हैं,
पिछले अगर आप 10-15 दिन से देखें तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के वफूद एक दूसरे से मिल रहे हैं। हमारे पास जनाब इकमतियार साहब तशरीफ़ लाए, उनसे पहले अब्दुल्ला साहब तशरीफ़ लाए, फिर स्पीकर साहब आए और अभी इतने बड़े डेलीगेशन माशाल्लाह अफ़गानिस्तान से यहाँ आए हुए हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ और महीने 10 दिन में इंशाल्लाह वहाँ के चेयरमैन सेनेट भी हमारे पास तशरीफ़ लाएंगे। तो इस तरह इंशाल्लाह हम ये मुलाकातों का सिलसिला जब जारी रखेंगे एक दूसरे के साथ, तो हमारी दूरियाँ और जो हमारे दरमियान रखने डालते हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। अब रही तिजारत की बात, तो मेरे ख़्याल में ये दोनों मुल्कों को अब समझना चाहिए हम दोनों को, कि अगर हम दोनों मेहनत करें, अफ़गानिस्तान के मेहनती लोग हों और पाकिस्तान के, तो ये दुनिया को फीड कर सकते हैं इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि अभी हमने सिर्फ बातों की हद तक नहीं रखना, जिस तरह पार्लियामेंट ने एक काम शुरू किया है तो इसको दोनों अतराफ़ से इसी तरह सीरियस लिया जाएगा, और इसके फॉलोअप मेरे ख़्याल में स्पीकर साहब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसी तरह जारी रहेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे हम और जो हमारे मकासद हैं उनको हम हासिल कर सकेंगे। इट इज़ अ वेरी मेजर स्टेप दैट वी आर टेकिंग टू ब्रिंग द टू कंट्रीज टुगेदर। After the opening ceremony and the tempo that was set by the Prime Minister and the Speaker of the Afghan Assembly, we had a wonderful meeting with the Honorable Minister from Afghanistan, and sare jitne bhi points hain na उनके हमारे ओपनली ओपन हार्ट के तौर पर हम लोगों ने डिस्कस किए कि आपके क्या पॉइंट्स हैं, हमारे क्या पॉइंट्स हैं, और ये सारा जो सिलसिला है ना, ये अभी दो तीन बास्केट्स में है। एक बास्केट में वो है कि जो इस वक्त इनके जो मसाइल है एट द बॉर्डर, हमारे जो प्रॉब्लम्स है एट द बॉर्डर, ये एक बास्केट में है। दूसरा बास्केट ये है कि यह आइंदा उनका जो 10 साल का अफगान ट्रांजिट ट्रेड का जो एग्रीमेंट है वो अगले साल एक्सपायर हो जाएगी, और हम लोग ने बैठ कर इसको ऊपर रीनेगोशिएट करके, और इंशाल्लाह जिस तरह से आज बातें हुई हैं मुझे बहुत उम्मीद है कि ये जल्द जल्द फैसला हो जाएगा। और तीसरा बास्केट है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो ये है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक PTA साइन करना है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है वो एक फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होती है। और मुझे इतने खुशी है कि PTA का मतलब ये हुआ कि हमारा जो ट्रेड रिलेशनशिप है अफ़गानिस्तान के साथ वो ऑन ए फॉर्मल बेसिस